एनर्जी से भरपूर एंड विंटर्स के लिए बहुत ही खास डिफरेंट स्टाइल के लड्डू, जिसमें कि हमने गोंद को बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। गोंद के लड्डू तो हमने बहुत खाए हैं, और आज मैं लेके आई हूँ एकदम अलग स्टाइल के लड्डू आपके लिए, जिसे खा के आप फुल एनर्जेटिक भी फील करेंगे और विंटर्स में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। सो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इन लड्डू को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाएंगे आज हम बिना गोंद के यूज़ किए हुए। विंटर्स में जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गोंद के लड्डू बनाते हैं, बट इस बार हम बनाएंगे ओट्स और ड्राई नट्स के जो हैं लड्डू, एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट मेथड्स के साथ और कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओट्स, ये प्लेन ओट्स है, एक कटोरी ओट्स मैंने लिया है, आधा कटोरी लिया है फ्लैक्स सीड्स और आधा कटोरी ये तिल है, सिसमें सीड्स वाइट वाले हैं ये। एक कटोरी लिया है मैंने ये पम्पकिन सीड्स, ये पम्पकिन सीड्स भी इजीली ड्राई फ्रूट्स के शॉप पे आराम से आपको मिल जाएंगे। और एक कटोरी लिए हैं मैंने आमंड्स, बादाम। सो फ्रेंड्स, आज इन्हीं के साथ हम अपने जो है एनर्जेटिक लड्डू बनाने वाले हैं, जो विंटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, साथ साथ हमें एनर्जी देते हैं और हमें वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने पैन, जिसको रख दिया है गैस पे हीट होने के लिए। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये और इसको हम मीडियम फ्लेम पे करीब करीब 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है हमें, बहुत ज़्यादा देर हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो हट जाए और हल्का सा ये एरोमेटिक हो जाए। फ्रेंड्स, वी ऑल नो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हुए हैं अभी लड्डू बनाने के लिए, हाउ बेनिफिशियल आर फॉर आर हेल्थ। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, और हल्की सी अरोमा इनसे आ रही है अभी, और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये गर्म भी हो गए हैं, थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इन्हें निकाल लेते हैं बाहर एक बर्तन में। वापस से गैस ऑन कर लेंगे और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे आमंड्स को। इन्हें भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, इनको भी हम 2 से 3 मिनट ही रोस्ट करेंगे, बस हल्का सा ये क्रिस्पी हो जाए और एरोमेटिक। ये देखिए, बादाम भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, हल्का सा आप देख सकते हैं कि कलर इनका चेंज हुआ है। सो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे बाहर और अब हम रोस्ट करेंगे इसमें पम्पकिन सीड्स। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे जितने भी हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, नट्स हैं, उनको हमें अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करना है। नट्स को रोस्ट करने का एक खास रीज़न है फ्रेंड्स, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। सो वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। इन्हें भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं, ये भी हो चुके हैं फ्लैक्स सीड्स। इट्स ऑल्सो डन इसमें सीड, इनमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत जल्दी से भी हो जाते हैं, इनको रोस्ट होने में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। सो इट्स ऑल्सो डन, इसे भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, ये देखिए कि मिक्सी का जार आपका एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर ना रहे। और इसमें अब हम ये रोस्ट किए हुए ओट्स को निकाल लेंगे और इसका एक पाउडर हम बना लेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे रोस्टेड ओट्स को पीस लिया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बादाम और इनको भी हम पीस लेंगे, और इसमें ऐड करूंगी मैं ये पम्पकिन सीड्स, इन सब चीज़ों को मिला कर
फ्लैक्स सीड्स और सिसमे सीड्स को हमने बचा के रख लिया है, उनको नहीं हम पीसेंगे, उनको हम ऐसे ही इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए ओट्स, बादाम और पम्पकिन सीड्स अच्छे से इसमें पीस चुके हैं, अच्छे से इसमें ग्राइंड हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक थोड़े से बड़े बर्तन में। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये तिल और जो हमने फ्लैक्स सीड्स रोस्ट किए थे वो, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया हमने इनको। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स इस लड्डू की ये है कि हम इसको विदाउट शुगर बनाएंगे, हम इसमें शुगर यूज़ नहीं करेंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे स्वीटनेस के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जैगरी पाउडर, जैगरी पाउडर यानी कि शक्कर एक कटोरी, उसको हम मिक्स करेंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हो जाएंगे। तो हमने इसमें कोई शुगर ऐड नहीं किए, जैगरी पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये लड्डू हेल्दी तो होंगे ही, साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लगे। और इसको बाइंड करने के लिए अब इसमें ऐड करूंगी मैं देसी घी। ये मैंने आधा कटोरी देसी घी लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स घी आप जब भी कोई भी लड्डू बनाएं उसमें मेल्ट करके ही डालिए, उससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाता है घी का कि आपको कितना यूज़ करना है, और दूसरा जो ये बाइंडिंग है बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे सॉरी, और हाथ से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी जो है वो सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया है, आप इसको देखेंगे ये बाइंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा घी का जो मेजरमेंट था वो परफेक्ट है। अब हम इनके लड्डू तैयार कर लेते हैं, अब हम इनके लड्डू बांध लेते हैं। हाथ में जितना भी छोटा बड़ा साइज जो भी आपको रखना है उसका उतना मिक्सचर लेके टाइट से थोड़ा प्रेस कीजिए इसको। और ये देखिए लड्डू आपका रेडी है। इसी तरह से हमें सारे लड्डू अपने रेडी करने हैं। जब ये लड्डू आप खाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट आपको आएगा, सिसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आमंड्स, एकदम नई तरह के लड्डू है फ्रेंड्स ये। इसी तरह से हमें सारे लड्डू रेडी करने हैं। सो फ्रेंड्स लड्डूज आर रेडी, इंजॉय इट एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बॉक्स। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी रेसिपीज को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।